ग्वालियर में क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा करीब 4 साल पहले लाखों की स्मैक के साथ पकड़े गए आरोपी शुभम मिश्रा को 8 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि 4 वर्ष पूर्व पाम रेसिडेंसी पंजीयन कार्यालय मार्ग पर एक स्मैक तस्कर के मौजूद रहने की सूचना क्राइम ब्रांच पुलिस को मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने 1 मई 2019 को मुखबिर के बताए हुए स्थान पर दबिश दी, जहां पर एक युवक को पकड़ा गया और उस युवक की तलाशी लेने पर उसके पास मोबाइल, कुछ नकदी और एक पॉलीथीन में लिपटा हुआ पदार्थ मिला। वहीं जब्त किए गए पदार्थ की जाँच कराने जाने के बाद इस पदार्थ को स्मैक बताया गया। घटना 1 मई 2019 की है, जब क्राइम ब्रांच को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति रजिस्ट्रार ऑफिस रोड पर स्मैक बेचने की फिराक में खड़ा हुआ है। सूचना से भ्रष्ट अपराधियों को अवगत कराया गया और मौके पर मैं फोर्स के दबिश दी गई थी, तो वहां पर शिवम मिश्रा नाम का व्यक्ति 200 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसकी कार्रवाई NDPS एक्ट के तहत विधिवत की गई थी एवं धारा 8/21 NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।